हेलो फ्रेंड्स, अर्चना ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने आलू को अच्छे से छील करके और काट कर और फिर धो लिया है। धोने के बाद मैंने पानी को हल्का गर्म करके उसमें नमक और हल्का हल्दी डालकर हल्का सा आलू को बॉयल किया है, पूरा बॉयल नहीं किया है। सरसों तेल गर्म करके मैंने परवल को छील कर काट लिया। सरसों तेल गर्म करके उसमें परवल को अच्छे से मैंने ढक कर फ्राई किया। ये पर सब्जी कुछ अलग हटके ही बनती है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मेरा परवल अच्छे से जब लाल हो फ्राई हो गया तब मैंने परवल को एक प्लेट में निकाल लिया। उधर मेरा आलू भी हल्का बॉयल हो गया। देखिए हमारा आलू का कलर कितना अच्छा आया है। मैंने जीरा और तेज़पत्ता का फ़ोरन डालकर और मैंने उसके बाद प्याज को बारीक बारीक काट कर और डाल दिया। प्याज को मैंने अच्छे से तोड़ते हुए कलछी से और तब मैंने अच्छे से लाल कर लिया। जब हमारा प्याज लाल हो गया तब मैंने उसमें आलू को डाल दिया। आलू को डालकर आलू को और प्याज को दोनों को मैंने अच्छे से ही गैस का फ्लेम कम करके भून लिया। मैंने जीरा, काली मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लिया था। मैंने मसाले को डाल दिया। मसाला डालने के बाद मैंने तब नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम कम करके मैंने सब्जी में पानी नहीं डाला, जो पानी मसाला में था बस वही, और मैंने अच्छे से सब्जी को ढक के पकाया। जब हमारा आलू मसाला अच्छे से भुन गया तब मैंने उसमें परवल को भी डाल दिया और अच्छे से दोनों को मिक्स करके मैंने सब्जी को भुना। भुनने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया। मसाले को डालने के बाद अच्छे से सभी को मिक्स किया। गैस का फ्लेम कम करके मैंने पानी जो भी सब्जी में हल्का था मसाले का उसको मैंने सुखा लिया। हमारा सब्जी बहुत ही बढ़िया बना था।